नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस गुड न्यूज एमपी विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको प्रदेश की कुछ ऐसी सकारात्मक खबरों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया है। सप्ताह की शुरुआत यदि हम सकारात्मक खबरों से करें तो विचारों का प्रवाह भी सकारात्मक दिशा में ही प्रवाहित होता है। आज के इस गुड न्यूज विशेषांक में हम बताएंगे बड़वानी की दिव्यांग शिक्षिका के बारे में जो दिव्यांगजनों को मतदान कराने के लिए उत्साह और मेहनत से काम कर रही हैं। साथ ही बात होगी बुरहानपुर के इच्छा देवी मंदिर ट्रस्ट की जो मंदिर की दान राशि से अंचल में ज्ञान का उजियारा फैला रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज एमपी विशेषांक। विधानसभा चुनावों में दिव्यांगजनों को मतदान के लिए प्रेरित करने निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बड़वानी में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए एक दिव्यांग शिक्षिका को आइकॉन बनाया गया है। पेशे से शिक्षिका शमीमा बानो आज अपने शैक्षिक कर्म के साथ साथ दिव्यांगों को मतदान के लिए उत्साह से प्रेरित भी कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में हर जिले में चुनाव आयोग कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक कर रहा है। शत प्रतिशत मतदान को सुनिश्चित करने के लिए बड़वानी जिला प्रशासन के द्वारा दिव्यांग मतदाताओं पर खास फोकस किया जा रहा है। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए यहां के बोरलाय ग्राम के सिपाही फल्या की प्राथमिक शाला की दिव्यांग सहायक अध्यापिका शमीम बानो को जिला आइकॉन बनाया गया है। दिव्यांग होने के बाद भी शमीम बानो के हौसले बुलंद हैं। वे स्कूल से अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद दिव्यांगजनों को मताधिकार का महत्व बताती हैं और उन्हें मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं। डायरेक्ट जाना और जो भी तेरे को बटन पे दबाना है वो डालना, वो बटन पे करके ना जाना है ना। तो वहाँ लाइन में लगना पड़ेगा। शासन की तरफ से अच्छी सुविधा है ना। अभी शासन ने बहुत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बहुत सुविधा दी है। व्हील चेयर है, कभी चल नहीं पाओ तो यहाँ तक लेने आएंगे, बाइक से है ना, गाड़ी से वहाँ तक ले जाएंगे, वोट डाल के वापस भी छोड़ के जाएंगे। मैं दिव्यांग हूँ। मैं सहायक अध्यापक पद पर सिपाही फल्या बोरलाय में पदस्थ हूँ और मैं पढ़ाने के साथ साथ सामाजिक कार्य भी कर रही हूँ। मुझे कलेक्टर साहब द्वारा जिला आइकॉन नियुक्त किया गया है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर अपना मत 28 नवंबर को डालना है। वो शासन ने उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। व्हील चेयर, लेटरिंग, बाथरूम, सब पानी की व्यवस्था वो सभी बूथ पर उपलब्ध कराई जाएगी और इसे 28 नवंबर को मतदान अपना डालना है। इसे घर घर जाकर मैं प्रोत्साहित कर रही हूँ। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बुरहानपुर जिले में करीब 5000 दिव्यांग मतदाता हैं। इन मतदाताओं को वोटिंग के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए चुनाव आयोग विशेष इंतजाम कर रहा है। मतदान के दिन दिव्यांग मतदाता बिना अपनी बारी का इंतजार किए सीधे मतदान कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें सहायक की सुविधा भी मिल सकेगी। जिले में दिव्यांगों के लिए कल्याणकारी काम कर रही विभिन्न संस्थाएं भी दिव्यांग मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित कर रही हैं। जाना और ईवीएस मशीन का बटन दबाना, तो अपने परिवार को भी ले जाना और सब जाना है ना। अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां है, जैसे हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक विशिष्ट मतदान केंद्र का निर्माण करना है, तो ऐसे 4 मतदान केंद्र होंगे जहाँ पे दिव्यांग मतदाता तो रहेंगे। उनके अलावा जो पोलिंग पार्टी रहेगी, जो पोलिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स रहेंगे, वो भी दिव्यांग ही रहेंगे। और ऐसे मतदान केंद्रों पे विशिष्ट प्रकार की सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे ब्रेल लिपि में कुछ साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। वहाँ पे दिव्यांग मतदाताओं के जागरूकता के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। जो स्वीप एक्टिविटी चल रही है, जो मतदाता जागरूकता एक्टिविटी चल रही है, उसमें भी हमने एक जो वीक चल रहा है अभी, उसमें दिव्यांग मतदाताओं के जागरूकता के लिए एक स्पेशली वीक हमने डेडिकेटेड किया है, जिसमें स्थानिक भाषाओं में जो काव्य संगीत और अलग अलग वीडियो है वो हम जारी कर रहे हैं। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो शमीम बानो है इनका वीडियो जारी किया जाएगा।
उसके अलावा एक दो दिव्यांग मतदाता है जिन्होंने अपनी म्यूजिक के द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करके लिए जो अपील किए वो हम जारी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के इन प्रयासों से जिले के दिव्यांग मतदाता काफी उत्साहित हैं। विधानसभा चुनावों में योग्य उम्मीदवार के चयन लेकर मतदाताओं में खास उत्सुकता देखी जा रही है। मैडम ने समझाया है विकलांगों के लिए वोट डालने जाना है, उनमें सुविधा करे हुए व्हील चेयर दिया हुआ है, पूरी सुविधा दी हुई है, मैं पूरे परिवार साथ वोट डालने जाऊंगा। सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन प्रक्रिया अहम मानी जाती है। निर्वाचन प्रक्रिया में हर वोट का महत्व है, इसलिए निर्वाचन आयोग शत प्रतिशत पात्र जनों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने और शत प्रतिशत वोटिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है। विधानसभा चुनावों में दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के ये कदम प्रशंसनीय हैं। बड़वानी से शिवपाल सिसोदिया के साथ पंकज शर्मा, डीडी न्यूज भोपाल। और अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे बुरहानपुर जिले में, जहां सतपुड़ा की वादियों में बने एक छापुर देवी माता मंदिर अंचल में ज्ञान की रोशनी बिखेर रहा है ये ट्रस्ट। देखिए एक और रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बना यह है माँ इच्छा देवी का मंदिर। माँ इच्छा देवी यहाँ आने वाले भक्तों की मुराद तो पूरी करती ही हैं, साथ ही साथ गरीब अनाथ बच्चों के लिए ज्ञान का उजियारा बिखेर रही हैं। मंदिर की दान पेटी से निकली धनराशि से अंचल के सैकड़ों बच्चों को तालीम दी जा रही है। कहते हैं माँ अपनी संतानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, सभी बच्चों को समान भाव से देखती हैं। इच्छा देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के इन स्कूलों में जाति धर्म पंथ का भेदभाव किए बिना गरीब और अनाथ बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। मैंने यह सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ने आऊँगी। हमारे यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है वो बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाया जाता है ये हमारी स्कूल बहुत अच्छी है जो, और यहाँ पे माँ इच्छा देवी के मंदिर का प्रांगण है जिसमें यह हमारा विद्यालय है। यहाँ पे फीस भी बहुत कम लगती है, और यहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर प्रिंसिपल हमें गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, यहाँ पे हर विषय कोई भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। दान पीटिया सभी ट्रस्टों के माध्यम से शाम को दान पीटिया खुलती है, सभी कैश उनके मैनेजमेंट के हिसाब से ही बैंक में डाले जाते हैं, और जो भी मेंटेनेंस किया जाता है सभी कर्मचारियों का पगार, गौशाला का अलग है, स्कूल का अलग है, सभी व्यवस्थापन उस पैसों से, इलेक्ट्रिक संधारण है, कर्मचारियों का वेतन है, सभी द्वारा उस आय से उस दान से किया जाता है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बसे माँ इच्छापुर मंदिर में श्रद्धालुओं की खास आस्था है। दूर दूर से आने वाले भक्त माँ के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, और इनके पूरे होने पर विधि विधान से पूजन अर्चन और आराधना करते हैं। माँ के भक्तों से मिलने वाली दान राशि अंचल में ज्ञान की रोशनी बिखेरने के काम आ रही है। स्कूल के प्रबंधन को लेकर माँ के भक्त भी दिल खोल कर दान करते हैं। यहाँ खोले गए स्कूल की खासियत यह है कि यहाँ किताबी ज्ञान के अलावा पारिवारिक संस्कारों का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। सेम है, दोनों का प्रकार क्या? 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होता है तो 1। विद्यालय में सभी जाति धर्म के जो स्टूडेंट है वह शिक्षा प्रारंभ करने के लिए आते हैं। इस ट्रस्ट का और इस विद्यालय का एक ही मकसद है कि जो गांव के जो अन्य गरीब बच्चे जो अपनी शिक्षा अदर स्कूलों में जाकर, जहाँ पर अधिक से अधिक पैसा दिया जाता है और खर्चा करना पड़ता है, लेकिन शिक्षा प्रारंभ नहीं कर पाते, लेकिन इस विद्यालय में वह आकर कम फीस में अधिक से अधिक अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अपना आगे चलकर अपना भविष्य निर्माण करे, यहाँ पर सभी टीचर के द्वारा स्टूडेंट को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। और स्कूल का परिसर जो है पूरा एकदम बच्चों को जैसे होना चाहिए बच्चों के हिसाब से, तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है,
और स्कूल की बिल्डिंग्स वगैरह देख के सब बातों का ये अंदाज लगा सकते हैं आप लोग कि ये स्कूल में मतलब शिक्षा कैसी हो सकती है। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं सब लेडीज टीचर्स जेंट्स टीचर जो भी हैं सब अपनी तरीके से बहुत अच्छा और अच्छा बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। यहाँ के जो पदाधिकारी है इनका एक ही उद्देश्य है कि ये जो गाँव है इसके पड़ोस में जो देहात है वहाँ के बच्चे पढ़ना चाहिए और कम से कम ये गांव में जो मजदूर है छोटे काश्तकार है निम्न काश्तकार है ये सबके बच्चे पढ़ना चाहिए ऐसा उद्देश्य रखकर कम से कम फीस लेकर यहाँ ये स्कूल चलाई जा रही है। मंदिर प्रांगण की 4 एकड़ भूमि पर 2 मंजिला इमारत में चल रहे इस स्कूल में नर्सरी से कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई कराई जा रही है। स्कूल में दर्ज बच्चों की संख्या 736 है, इनमें 50 से अधिक बच्चे मुस्लिम समुदाय के हैं। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि जो संपन्न परिवार के बच्चे हैं उनसे न्यूनतम फीस ली जाती है, वहीं वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने पर अगले साल की फीस माफ हो जाती है। आगामी साल में यहां 11वीं व 12वीं कक्षा की शिक्षा भी मिलेगी। 200 बच्चे इस स्कूल में निःशुल्क शिक्षा हासिल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमावर्ती गांवों में इच्छा देवी मंदिर ट्रस्ट का यह स्कूल 2 राज्यों में वंचितों के लिए शिक्षा का अधिकार दिला रहा है। मंदिर ट्रस्ट की यह पहल अन्य संस्थाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ पंकज शर्मा, टीडी न्यूज भोपाल। गुड न्यूज एमपी विशेषांक में आज बस इतना ही। यदि आप भी हमें इस बुलेटिन से जुड़ी कोई प्रतिक्रिया या सुझाव देना चाहते हैं या अपने आसपास की किसी सकारात्मक खबर को इस बुलेटिन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अपने नाम पते और मोबाइल नंबर के साथ हमें गुड न्यूज DDNewsMP@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। अगले हफ्ते गुड न्यूज एमपी बुलेटिन के साथ पुनः मुखातिब होंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।